इससे पत्थर रख के बोल रहा हूँ, फिर भी कहना पड़ेगा क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। माजी अध्यक्ष साहब रियाज आजमी साहब, दिल में आज भी वही अध्यक्ष है मेरे लिए, आसिम भाई माफ़ी चाहता हूँ। स्टेज पे बैठे तमाम मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, सामने बैठे मेरी माँ और यहाँ बैठे मेरे जो भी छोटे भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम। घर है शौक कुरान का तो शाहीन बन के उर, घर है शौक कुरान का तो शाहीन बन के उर, हवा में तो कौवे उड़ा करते हैं। ये मेरी शाहीन है, इनकी उड़ान मैंने पिछले 25 साल में बहुत देखा हूँ और इनकी उड़ान से कहीं ना कहीं मुतासिर हो गई। 2012 में मैं इस पार्टी में आया था और इंशाल्लाह फिर से वापस आया और इंशाल्लाह इस बार तो वापस नहीं जाने आया। वासिम भाई लाल बार भी वादा किया था, चाहे जो कुछ भी करे, जिसे जो हरकतें करनी है करे, जिसे जितना जलील करना है करे, इसी टिकट पर इंशाल्लाह जीत के इसी कॉर्पोरेशन में जाऊंगा और अकेला नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह। बेवंदी पश्चिम से इंशाल्लाह और लोगों को लेकर इंशाल्लाह हम जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आफ्ताब भाई मेरे भाई ने अभी कहा कि हम यहाँ कमजोर है, कौन कहता है कमजोर है? पिछला इलेक्शन उठा के देखिए आप, यहाँ के जितने सीट है सेकंड के ऊपर आप लोगों को 3200, 3500, 3600, 3700 उठ लिए थे। अरे उस वक्त आपने 3700, 3600 उठ लिए जब संगठन का वजूद ही नहीं था, जब यहाँ पे ना हमारा आमदार था, ना हमारे पास उस वक्त में रियाज क्रिस्टल था, ना उस वक्त इतना खूबसूरत हमारा जो भिवंडी का संगठन है वो था। अरे अगर ये जब उतरेंगे और ये जब लड़ाई लड़ेंगे तो जो सेकंड की पोजीशन है इंशाल्लाह हमारी सेकंड की पोजीशन, यहाँ जितने वार्ड है वहाँ पे फर्स्ट में आएंगे इंशाल्लाह। आसिम भाई भिवंडी शहर को आपको भिवंडी से प्यार है, भिवंडी शहर को आपसे प्यार है। कुछ बातें हैं जो भिवंडी वाले जो हमेशा हम ये करते हैं कि क्या वजह है कि 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर होके क्या वजह है कि हम हर 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 बार हमारे साथ में नाइंसाफी होती है, क्या वजह है? अभी बकरीद गई, आपको हम बता नहीं सकते कि बकरीद में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने आसिम भाई हम कहते आपसे हमने घूट भी आए जो जो हरकतें बकरीद पे हमारे त्यौहार को खराब करने के लिए की गई थी। कभी कहा गया था कि सफाई नहीं होगी, कभी कहा गया था पोटले नहीं उठेंगे, कभी कहा गया था आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी ताकत दिया है कि हम तो हमारे दम पे किए, लेकिन बहुत से वार्ड है भिवंडी के जहाँ पे साफ सफाई नहीं हुई है। यहाँ गवाह है वहाँ के बहुत से बच्चों की मुझे फोन है कि बाबा भाई आपके एरिया में तो सफाई हुई, हमारे एरिया में किसी ने गंदगी को हाथ भी नहीं लगाया। आसिम भाई वहाँ पे हमारा सर नीचे होता है कि हमारे पास आज की तारीख में कोई आदमी चाहिए जो हमारे साथ, क्योंकि हम नगर सेवक नहीं है, कॉर्पोरेशन में चले जाओ उस नालायक कमिश्नर के हाथ में हम डाल के पूछे कि जब हमारा त्यौहार आता है तो हरकत क्यों होती है? ये सारे शहर ने हमसे सवाल किया आसिम भाई, और हमें वो कमी महसूस हो रही है। हमारा एक आमदार होने के बावजूद पश्चिम वालों को वो कमी महसूस हो रही है। मैं ये सच्चाई से बोल रहा हूँ, माफी मांग के बोल रहा हूँ, ये भेदभाव अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसका जवाब लगेगा हम हमारी ये कार्यकर्ता जो बैठे हैं, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये बिना पगार के मजदूर है जैसा हम आपके हैं, ये भी पार्टी के हैं, ये पार्टी के लिए लड़ने के लिए इच्छा लेके आते हैं कि पार्टी शहर के लिए, हमारे लिए, मजहब के लिए, कौम के लिए, दबे कुछ लोगों के लिए, दलितों के लिए कुछ अच्छा काम करेगी, ये इसलिए यहाँ पे आते। लेकिन आने के बाद तक इनको रिजल्ट नहीं मिलता, ये मायूस होकर जाते। तो इनको मायूस आसिम भाई मत करो, इंशाल्लाह ईस्ट वेस्ट हमारा होगा, मेयर भी इंशाल्लाह हमारा होगा। आसिम भाई वक्त तो आप दे रहे हैं, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, थोड़ी नजरों को बड़ा कीजिए, चीजों को समझिए। और मैं किसी पे उंगली नहीं रख रहा हूँ, हम हमारे तब मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के अपनी अपनी लाइफ दांव पे लगा के समाजवादी में आया था, कुछ सोच के आया था। मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे उस शर्मिंदगी हो रही है कि भैया जी जो मैं सोचा था मैं शहर के लिए वो नहीं कर पा रहा, मुझे शर्मिंदगी हो रही है आज के मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि जो भी हरकतें हैं, जो भी चीजें हैं, ये नहीं होना चाहिए। कुछ अगर जज्बात में बोलना होगा तो माफी चाहता हूँ और इंशाल्लाह इलेक्शन में के लास्ट तक इंशाल्लाह इलेक्शन आपके साइकिल पे बैठ के ही जाएगा इंशाल्लाह और जीत के जाएगा इंशाल्लाह, ये आपको वादा देता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह की जान से मुझे उम्मीद है। जय महाराष्ट्र, जय समाज। स्पीड न्यूज रहे सबसे आगे।